हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गाइस, अभी जो है वो मेरी गुड़िया उठ चुकी है। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं 8 बजे कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे मैं सोई हुई हूँ। तो गाइस, आज जो है तबीयत थोड़ा डाउन है मेरी, और मतलब साथ में मेरी गुड़िया भी बैठी हुई है, देख सकते हैं। तो बेडशीट का क्या हाल किया है गाइस, खराब करके रखा है उसने। और गाइस, आज कुछ भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं सुबह उठी थी, नहाया धोया और फिर जो है मैंने टैबलेट भी ली, तो थोड़ी देर सोने के लिए आई हूँ रूम में, लेकिन रूम की हालत ऐसे देख के नींद भी नहीं आ रही है। और अंशु भी सोई हुई थी गाइस, तो वो उठ चुकी है अभी जो है। तो फिर उसके साथ कहाँ मतलब सोना कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, बहुत सारा प्यार दीजिए। और गाइस, सासू माँ भी चले गए हैं, घर में कोई भी नहीं है। आज तो मैं अकेली हूँ गाइस, तो अंशु पता नहीं क्या क्या करेगी। ना ताई सासू माँ है, ना सासू माँ है घर में। तो वो जो है वो मेरे चाची सासू माँ है, उनकी देवरानी। तो उनकी चाची की मतलब उनकी चाची की लड़की की शादी है गाइस, तो वो शादी बहुत दूर है, वहाँ पे गए हुए हैं। तो सब चले गए हैं, पूरे घर में कोई नहीं इधर से उधर, तो मैं अकेली हूँ आज गाइस। तो कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और रात को गाइस मैं गिरी भी हूँ, फर्श में गिरी हूँ, टाइल में, बाहर आंगन के साथ ही अटैच है गैलरी। तो जा रही थी और बहुत ज़ोर से गिरी गाइस, तो पाँव में थोड़ा सा चोट आई है। मैगी बनाई हुई, सासू माँ बना के गए हुए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सी उठी, फिर नहाई हूँ और अभी जो है वो बेड में सोने के लिए आई हूँ। तो ये देख सकते हो क्या कबाड़ा करके रखा हुआ है उसने, और वो जो है उसकी नहाना वगैरह कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो गाइस, आज जो है पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा मेरा। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस, पाँव में हल्दी डर लगी है, हड्डी में लगी है गाइस पाँव की। ओ मम्मा, तो गाइस देख सकते हैं कैसे परेशान करती है मुझे। तो सबसे पहले मैं, अभी नींद तो नहीं आएगी गाइस, तो ओ मम्मा उठ जाती हूँ, फिर ये सब कुछ साफ करती हूँ अच्छे से, तब जाके बैठती हूँ फिर मैं। तो गाइस अभी उठा ही दिया उसने मुझे, और मेरी हेयर में मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ मसाज नहीं किया हुआ है आज, तो ऐसी ना ही हेयर नहीं नहाए हुए मैंने। तो गाइस सबसे पहले मैं कर लेती हूँ इसको फोल्ड, और बाद में ही इसको अच्छी तरह से ऑयल मसाज करूँगी। देखो कैसे देख रही है, नीचे भी कबाड़ा करके रखा है पूरे बेड का, बहुत मुश्किल होता है बेबी के साथ गाइस। और इधर चोट आई है गाइस मेरे पाँव में, बोल जाएगा ओ मम्मा। इधर सुखते गाइस, इधर ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है उसमें सूज आ गई है पाँव में, तो मूव स्प्रे वगैरह लगाया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा रोने के लिए आ रहा था गाइस मुझे। तो रात को थोड़ी देर तो ऐसा नर्वस हो गई, सासू माँ बोले चल चलते हैं, लेकिन मैं ही बोली ठीक हो जाएगा, किस लिए हॉस्पिटल जाना है फिर, क्योंकि वो फिर से इंजेक्शन लगाएंगे वो डॉक्टर। तो टैबलेट वगैरह लिया, उसकी वजह से मेरे पाँव में पता नहीं क्या हो गया, जैसे मतलब जा रही थी, अंशु को अच्छा हुआ मैंने पकड़ा हुआ नहीं था, और अकेली जा रही थी, मैंने गाउन पहना हुआ था, उस टाइम साड़ी भी नहीं पहनी हुई थी, और बस हंस पड़ गई पाँव के बल, और बाप रे सब इकट्ठा हो गए गाइस। आयशु गाइस, मेरी साड़ी का पिन भी आ रहा, सब कुछ खोल दिया उसने, देख सकते हैं क्या क्या करती रहती है, कुछ भी करती है।
बहुत परेशान करेगी। आज का दिन तो पता नहीं कैसा जाएगा, कब आएंगे सासू माँ, शायद उनको मैंने पूछा था फोन करके, अभी तक भी नहीं पहुंचे हुए, क्योंकि अभी जो है वो 8:30 बज रहे हैं, तो 8 बजे के आसपास निकले हुए थे वो, तो अभी उनको पहुंचने के लिए ही 11-12 बजेंगे गाइस, बहुत दूर है। तो ताऊ, ससुर जी, ताई, सासू माँ और मेरे सासू माँ, ससुर जी सब चले गए हैं, तो अभी गाय का काम करना बाकी है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ करके गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा पानी वगैरह पिलाना है, घास वगैरह डालना है 12 बजे का। मम्मा हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, आयशी अभी गुड़ी हो गई, मेरी गुड़िया गाइस देख सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा परेशान करती है, रात को बहुत परेशान किया उसने मुझे, फिर मुझे पेन हो रहा था तो सासू माँ लेके गए उसको बाहर अपने पास अपने रूम में, तो थोड़ा सा सोई मैं 2-1 घंटा। तो अभी हम कर लेते हैं काम, काम करना है मुझे। बस इतना इतना से भी उसको कुछ मतलब हाथ में गंदा लगता है, या फिर उसको थोड़ा सा ऐसा घास वगैरह का तिनका भी आता है ना हाथ में, तो मुझे दिखाती है कि मम्मा ये साफ करो ऐसे ऐसे करके। आई मम्मा मत खोलो मेरी साड़ी, पिन किया हुआ था, पिन भी निकाल दिया उसने गाइस। नो मम्मा ऐसा नहीं करना है, शरारती, नो बहुत शरारती होगी, नीचे उतर जाओ, चलो नहीं चुता जाओ मम्मा, पापा को बोल दो मिस यू पापा, पापा पापा कहाँ है, पापा 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 कहाँ है मम्मा। गए जब भी वीडियो कॉल वगैरह आता है ना, वो हर दिन तो नहीं बात हो पाती फौजी साहब से, लेकिन कभी कभी होती है। तो अच्छा हुआ रात को उनका फोन भी नहीं आया था, नहीं तो उनको भी टेंशन हो जाता, मैं गिरी हूँ, और मैंने उनको अभी तक भी नहीं बताया हुआ है गाइस कि मैं फिसल गई और पाँव में चोट आई है, क्योंकि वो इतने दूर है गाइस, तो उनको भी टेंशन हो जाता है, फिर बाय बाय कर रही है गाइस मुझे। तो अभी जो है वो रूम की हालत देख के ऐसा टेंशन आ रहा है मुझे, तो ये करने कर लेती हूँ मैं। तो गाइज प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइज, और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर, अंडर द चैनल है गाइज मेरा। तो अभी तो मैं ससुराल में हूँ, तो ससुराल के ही ब्लॉग आते रहेंगे गाइज, कभी कभी हो जाता है नहीं ब्लॉग डाल पाती, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं लगता है गाइज मुझे। नो आयशी ऐसे नहीं करना, तो ठीक है गाइज, बाय बाय।